तो आपने भी पॉडकास्ट किया है, इस बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे आप? जम्मू से भेजता हूँ मेरे साथ ही। जम्मू से नहीं, हम दिल्ली से आए। अब तो हमारी मुस्तकिल रिहाइश दिल्ली में होती है। हर साल हम कश्मीर भी आते हैं, जम्मू भी जाते हैं। तो इस दफ़ा तो मैं कश्मीर में ही हूँ, इसलिए यही वोट किया। सर, 2019 से जो हालात बने हैं उसके बाद अभी तक कांग्रेस डेमोक्रेटिक में जो है भरोसा कर रही है, लेकिन अभी कश्मीर, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, सिचुएशन को किस तरह देख रहे हैं? ये आप कांग्रेस इलेक्शन की बात कर रहे हो कि जनरल इलेक्शन की बात? जनरल इलेक्शन तो गवर्नमेंट ने करनी है। हमारी डिमांड है कि इलेक्शन होने चाहिए और सभी पार्टी यही चाहती हैं कि चुनाव होने चाहिए, क्योंकि बिना चुनाव की डेमोक्रेसी नहीं चलती है। तो अब शुरुआत हो रही है, डिलिमिटेशन हो गई है। हम सुन रहे हैं कि चुनाव शायद मार्च में हो, सुन रहे हैं, केवल सरकारी बात नहीं कह रहा, सुन रहे हैं। और बाकी ये है कि अच्छा, ये दो बातें हो रही हैं, एक तो ये कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन जो हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आज तक कभी इलेक्शन हुई नहीं, बहुत वर्ष पहले होती थी, अभी नहीं। और दूसरा ये जो पदयात्रा कर रहे हैं राहुल, वो भी अच्छी बात है, लोगों के साथ ताल्लुक इससे मजबूत कर रहे हैं। ये दोनों बातें मैं कहना चाहता हूँ। सर, नॉन लोकल्स को वोटिंग राइट्स देने की बात की जा रही है जम्मू कश्मीर में, वो कुछ टेढ़ा मामला है, मुझे भी पूरी समझ नहीं उसकी आई। वो कुछ टेढ़ा है, कुछ कहते हैं लाखों आएंगे, कुछ कहते हैं थोड़े आएंगे, अभी मैं क्लियर नहीं हूँ उसके बारे में। जी, अगर चुनाव होते हैं तो कांग्रेस कितनी तैयार है चुनाव के लिए? अब ये तो इनको पूछिए, यहाँ सब कांग्रेस के नेता है, मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ, मैं नहीं बता सकता इसके बारे में। इसके बाद हालात किस तरह जम्मू कश्मीर के लग रहे हैं आपको? क्या डेवलपमेंट पॉजिटिव वे में हो रही है कि उससे पहले भी इस तरह का जो हालात है वो ठीक थे? देखिए, मैं कह नहीं सकता हूँ, 3 साल हो गए हैं तो बहुत ऐलान हुए हैं कि बहुत काम हो रहा है, तो अभी तक ज़मीन के ऊपर उनका पूरा असर नहीं हुआ होगा, कुछ वक्त लगेगा। एक बार ज़रूर हुई है, पहली बार डल साफ हो गई, मुझे बड़ी खुशी है इस बात, क्योंकि मैं हर साल जब आता था, हमारा घर आप जानते हैं डल के ऊपर ही है, तो हम देख के बड़ा दुख होता था कि डल मर रही है सामने सामने, मगर इस बार हमने देखा डल साफ हो गई। ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, ये तो मैंने स्वयं देखी है। थैंक यू सर।